तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि विपक्ष के कद्दावर नेता हैं और काफी प्रभाव रखते हैं राजनीति में भी और बड़ौदा सीट पर भी, तो स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मौजूद हैं। देखिए क्या कुछ बातचीत हो रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए चुनाव की जो है घोषणा हो चुकी है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से इस चुनाव को देख रही है। सर सबसे पहले जाने की, चूंकि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके की तैयारियां जो है कांग्रेस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, कितना मजबूती के साथ कांग्रेस यहाँ पर उतरेगी? पूरी मजबूती से उतरेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि 6 साल में सारे वर्ग परेशान है इस सरकार से। जो हरियाणा में सरकार है, किसान आज बर्बादी के कगार पे है, गरीब आदमी को एक भी प्लॉट नहीं दिया जो हमने लाखों प्लॉट दिए, बेरोजगारी बेअंता बढ़ रही है, कानून व्यवस्था के नाम की चीज़ नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और घोटाले पे घोटाला है, कभी धान घोटाला, कभी आपका शराब का घोटाला, कभी मीटर का घोटाला, कभी किसी का घोटाला, किसी की जाँच नहीं हो रही। और वो तो घोटालों भी तो छोड़ो, एक लाठी चार्ज हुआ पीपली में 11 तारीख को, मैं गया 10 तारीख को हुआ था, तो वहाँ लोगों ने मेरे को दिखाया लाठियाँ लगी हुई, तो मांग की हमने भाई लाठी चार्ज की इंक्वायरी हो। तो एक तो उनका जो सहयोगी दल है उनका तो बयान आया कि भाई लाठी बहुत गलत हुआ, ये लाठी जो है ऐसी है जैसे देवीलाल के शरीर पर लगी हो, किसान पे नहीं लगी। उनके पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान आया बीजेपी का, ये गलत हुआ। अगले दिन एक मंत्री का बयान आ गया कि नहीं लाठी चार्ज हुआ ही नहीं। उसके बाद मुख्यमंत्री का आया, वो तो सेल्फ डिफेंस में लाठी चार्ज हुआ था। भाई कौन सी बात सच्ची है, पता तो लगे इस दुनिया लोगों को। तो इस वास्ते मैंने कहा था सिटिंग जज द्वारा जाँच कराई जाए, हाई कोर्ट के जज द्वारा, सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसी प्रकार से हर घोटाले में यही किया गया, हर घोटाला दबाया गया। आप धान का घोटाला देख लो, आज शराब के घोटाले का जिक्र है, कितना कितनी शराब मतलब ये कोरोना काल में गई है अंदाजा नहीं, कोई वो नहीं है। और नौकरियां नहीं है, दिन हटा रहे हैं और नौकरियां लगाने के पैसे खाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर बड़ा मुद्दा, चाहे शराब घोटाला हो या फिर अब किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हो, हर किसी में जो है कहीं ना कहीं सरकार में मतभेद जो है दोनों पार्टियों में दिखाई देते हैं, इसका कितना असर जो है इस चुनाव पर आप देख रहे हैं? और जिस तरीके से कृषि बिल लेकर आए थे, क्योंकि कृषि बिल का भी जो है मुद्दा अब कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से जो है गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके का असर जो है इस चुनाव पर देखेगा? देखिए कृषि बिल जो लेके आए हैं उन तीनों में कहीं MSP की चर्चा नहीं है, बड़ा भारी रोष है किसानों में। हालांकि हमने ये तो वो कह रहे हैं मंडी में हम खरीद करेंगे, MSP देंगे, अब उसमें APMC में बदलाव लाने की जो बात हमने कही थी, उनकी मोनोपोली तोड़ने की जो बात कही थी, उसको एक्सटेंड करने की बात कही थी, वहाँ सोसाइटियों में परचेज सेंटर बनाने की बात कही थी। तो हरियाणा में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, गाँव-गाँव में परचेज सेक्टर है, यहाँ इतनी दिक्कत नहीं, पर बड़ा देश है वो मानिए। तो इसी वास्ते मेरे को था भाई कभी ऐसा होगा तो 2007 में ये काम मेरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रूल्स फ्रेम कर दिए थे और उसमें प्रावधान कर दिया था, ये 6ठा नंबर आप देखें, कि जो भी खरीद होगी वो MSP से कम नहीं होगी, टोटल प्रोडक्ट का 15% की बैंक गारंटी होगी ताकि किसान के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। जिसका MSP नहीं होगी वहाँ जो भाव मार्केट भाव होगा उस पर होगा, उसकी 15% की गारंटी होगी ताकि किसानों के साथ धोखा ना हो सके। ये लगा दें, ये लागू, ये हटा नहीं सकते, ये लागू है हरियाणा में। आज कोई कानून जो बनाया है वो लागू करने से पहले तो पहले इसको निरस्त करना पड़ेगा ना, इसको निरस्त करके तो देखें किसान कैसे होने देंगे इसको निरस्त हरियाणा में। इसी तरह विरोधाभास है इनका, वो कह रहे हैं कानून कह रहा है फ्री मूवमेंट हो गई है कोई कहीं जाए, और हरियाणा कह रहा है हम फलाने की फसल नहीं आने देंगे, नहीं जाने, फिर हमारे हमारा गन्ना कौन यूपी में जाने देगा भाई, फिर हमारा गन्ना यूपी में कौन जाने देगा? उम्मीदवारों चयन जब जब एक ये है फ्री मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट है। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया की सर आप बात करें तो किस तरीके से जो है आने वाले समय में उम्मीदवार चयन प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरीके से बैठकों का दौर जो है वो कांग्रेस का होता हुआ दिखाई देगा? नहीं बैठक तो बाई इलेक्शन है, एक दिन बैठ के फैसला कर लेंगे,
कोई बात नहीं, अच्छा सशक्त उम्मीदवार चुनेंगे जो जिसके, और जो जिस प्रकार से आज मंडियों में धान भरा पड़ा है, MSP मिल नहीं रही, जो लुटाई हो रही है आप सबको मालूम है, तो ये चल इनकी बात चल नहीं पाएगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। चुनाव प्रचार की बात करें तो आपकी बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, किस तरीके से कांग्रेस जो है बड़ौदा हलके में जो है चुनाव प्रचार का रूपरेखा रहने वाली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो कृषि बिल का मुद्दा है उसको लेके भी प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसको बुनाने की कोशिश कर रही है, ज्ञापन भी आपने पिछले दिन जो है सौंपा था। नहीं नहीं, सभी देंगे, सभी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, सब चुनाव प्रचार में जाएंगे, सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। एक सवाल सर अगर ये लें कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनेलो भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, चूंकि बड़ौदा का अगर हलका देखें तो कहीं ना कहीं प्रभाव जो है आपका जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा देखा जाता है, तो इनेलो को किस तरीके से इस चुनाव में आंकते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि सिर्फ एक सीट जो है कहीं ना कहीं इनेलो को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो जो है इस बार चुनाव जीतेगी। देखिए, इस जहाँ तक बड़ौदा हलके का सवाल है, साफ है पार्लियामेंट में जब हम सीट हारे भी थे, जब भी यहाँ बड़ौदा से जीते थे, इनेलो उस टाइम भी खड़ी थी, जजपा भी थी, तो ये आप देखें इसमें कोई वो नहीं है। इनेलो का मकसद तो हो सकता है कि वोट खराब करने, तो सीधा मुकाबला है और कांग्रेस जीतेगी। सर क्योंकि चुनाव की बात आती है और हरियाणा कांग्रेस की बात आती है, एक अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि कांग्रेस जो है एकजुट नज़र नहीं आती है, हालांकि हमने देखा कि जब ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया तो तमाम जो चीज़ें हैं वो एक साथ जो है नज़र आ रही थी, इस चीज़ों को किस तरीके से ओवरकम करते हुए नज़र आए? नहीं, एकजुट है कांग्रेस। तो ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे जिन्होंने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा है कि आने वाले समय में जो बड़ौदा उपचुनाव है वो कांग्रेस ही जीतती हुई नजर आएगी। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी।